मैं अजय सिंह माध्यम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से मैं भारतीय संविधान और उससे संबंधित मुद्दों को लेकर एक विस्तृत परिचर्चा कर रहा हूं। इस परिचर्चा में आज का पहला श्रृंखला की पहला चरण जो होगा वह है राज्य व संविधान, मीन्स स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक के अंतर्गत बात की जाएगी कि राज्य क्या है, राज्य के लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या बिना संविधान के राज्य की स्थापना हो सकती है या बिना संविधान के द्वारा किसी राज्य में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राज्य है क्या, व्हाट इज द स्टेट। कि राज्य क्या है, राज्य को लेकर अनेक राजनीतिक विचारक समय समय पर अलग अलग अवधारणाएं दी, समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोण दिए, लेकिन वास्तव में राज्य के संबंध में जो सबसे अच्छी अवधारणा या जो सबसे अच्छी परिभाषा है वह परिभाषा गार्नर की थी। और गार्नर के अनुसार राज्य की, राज्य में जो तत्व हैं इक्वल टू राज्य को, उसी स्थिति को राज्य कहा जा सकता है जिन राज्य में या जिन परिभाषाओं में ये चार तत्वों का समावेश हो। फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड लैंड, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ सॉवरेनिटी। ये चार तत्व हैं, इसलिए गार्नर की परिभाषा में इन चार तत्वों की बात की गई है और उन चार तत्वों को लेकर राज्य की स्थिति को डिफाइन किया गया है। इसलिए किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है कि उस राज्य में चार तत्वों का होना जरूरी है। अब अगर इन चार तत्वों की स्थिति को देखें तो ये स्थिति अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखी जाती है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इंडिया है, और इंडिया 15 अगस्त 1947 इंडिया इज द न्यू स्टेट। क्लियर? देन स्टेट को दूसरे कंसेप्ट में लेकर चलते हैं। स्टेट को लेकर दूसरी अवधारणा जो चलती है, स्टेट इज द पॉलिटिकल सोसाइटी। राज्य एक राजनीतिक समाज है, राजनीतिक समाज। एनमीस एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि राजनीतिक समाज का मतलब क्या है, कि राजनीतिक समाज कहते किसे हैं? तो राजनीतिक समाज उस समाज को कहते हैं जिस समाज में दो लोग हो, गवर्निंग क्लास और शासक वर्ग और दूसरा शासित। एनमीन जिस समाज में दो लोग हो, एक शासक हो और दूसरा शासित हो, और शासित शासक की आज्ञाओं का पालन करते रहे। इसलिए राज्य की स्थिति एक राजनीतिक समाज की भी होती है। थर्ड पोजीशन है कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा का मतलब कि राज्य दिखाई नहीं पड़ता, स्टेट इज नॉट विजुलाइज, स्टेट इज नॉट विजुलाइज, यानी राज्य हमें दिखाई नहीं पड़ सकता, लेकिन
राज्य के रूप में सरकार दिखाई पड़ती है। इसलिए प्रत्येक सरकार के पहले दैट इज द यूज ऑफ स्टेट वर्ड्स, स्टेट वर्ड्स, जिसके कारण ये डिफाइन होता है कि सरकार जो राज्य का मूर्त रूप है जो दिखाई पड़ने वाला है वह सरकार किस राज्य का मूर्त रूप है। इस स्थिति में सरकार राज्य का मूर्त रूप है। अब राज्य से सरकार सरकार आब्लिक शासन आब्लिक राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, मिस कॉन्स्टिट्यूशन। एक स्थिति यह भी कही जाती है कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। बिना राजनीतिक बिना संविधान के राजनीतिक समाज की या शासक वर्ग की या शासन या राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए अगर राजनीतिक समाज की स्थापना करना है, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अगर भारत 15 अगस्त 1947 को एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया है तो उस राज्य के रूप में जो अमूर्त अवधारणा है, जो अमूर्त स्थिति है, उस अमूर्त को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक है कि संविधान का निर्माण किया जाए। इसलिए संविधान राज्य के अमूर्त स्वरूप को मूर्त रूप में परिवर्तित करने का एक साधन है। अब ऐसी स्थिति में सवाल यह खड़ा होता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो संविधान नियमों का एक समूह है, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जिसे राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों की स्थापना की जाती है और उन राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच अधिकार और शक्तियों का विभाजन किया जाता है। साथ ही साथ उस संविधान में जनता के लिए कुछ मूल्य भी समाहित किए जाते हैं जिसके कारण इस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जा रही है। इसलिए इन सभी स्थितियों को लेकर अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि संविधान की स्थापना या संविधान की स्थापना संविधान को स्थापित करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। तो संविधान का मतलब है कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों का एक समूह है जिसके माध्यम से किसी राज्य में राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच अधिकार और शक्तियों का विभाजन किया जाता है तथा उस संविधान में जनता के लिए कुछ मूल्य समाहित किए जाते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय। इसलिए एक प्रसिद्ध विचारक है अंगस्टाइन, और इनका विचार है कि संविधान के अभाव में राज्य डाकुओं के झुंड के समान है, डाकुओं के झुंड के समान है। मिस अगर संविधान नहीं होगा
तो राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी, और राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी तो समाज में कानून का शासन नहीं होगा, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले को रोका नहीं जा सकता। इसलिए अगर संविधान की स्थिति को देखते हैं तो संविधान की आवश्यकता राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब संविधान की अगर स्थिति कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति को ले लें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रुप ऑफ रिटन एंड अनरिटन रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डिवाइड ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द पावर अथॉरिटी इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी एक तरीके से अगर ये कह लिया माना जाए कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों का समूह है और उस नियमों का समूह और उन नियमों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों या उनके बीच अधिकार और शक्तियों का विभाजन किया जाता है, तो इस आधार पर अगर संविधान को अगर डिफाइन किया जाए तो संविधान की स्थिति, संविधान के टाइप्स निकलते हैं और यह टाइप्स अनेक आधारों पर, अनेक स्थितियों पर स्थापित हो जाती है। जैसे कि अगर हम संविधान को जनरल आधार पर या जनरल बेस पर डिवाइड करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द टू टाइप्स, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जनरल क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आर द टू टाइप्स, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम पार्ट रिटन होते हैं, बट देयर इज नो 100% रिटन। क्लियर? एनी मींस वह संविधान लिखित संविधान होगे जिस संविधान के अधिकांश भाग लिखित हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि 100% रिटन ही हो, क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम मापदंड 100% रख लें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100% रिटन है, 100% रिटन। तो संविधान में यह स्थिति कहां पर लिखी गई है? यदि 100% रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा जिस कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम पार्ट रिटन होंगे। तो अगर मैक्सिमम पार्ट या 100% रिटन होंगे तो भारतीय संविधान क्या 100% रिटन है? और अगर भारतीय संविधान 100% रिटन है तो भारतीय संविधान में वह स्थिति कहां पर लिखी गई है? जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और उस स्थिति में राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे, यह कहीं लिखा नहीं गया। इसका मतलब कि देयर इज नो 100% रिटन इज नोन एज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैक्सिमम पार्ट रिटन होना जरूरी है। इसका तात्पर्य यह है कि अधिकांश भाग लिखित हो और उसके कुछ भाग अनरिटन में भी हो सकते हैं। वहीं पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि देयर इज नो 100% अनरिटन।
अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैक्सिमम पार्ट आर द अनरिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड अपॉन ट्रेडिशन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन कस्टम्स एंड जुडिशियल डिसीजन मीन्स अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज मैक्सिमम पार्ट्स आर अनरिटेन बट अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड अपॉन ट्रेडिशन कस्टम्स एंड जुडिशियल डिसीजन क्लियर एनी मीन्स कि मैक्सिमम पार्ट यानी इसका तात्पर्य यह भी निकलता है कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो 100% अनरिटेन बट मैक्सिमम पार्ट अनरिटेन बट सम पार्ट आर द रिटेन. अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रीति रिवाज परंपराओं और न्यायिक निर्णयों पर डिपेंड होता है. ट्रेडिशन और कस्टम्स आर अनरिटेन. बट जुडिशियल डिसीजन इज रिटेन. जुडिशियल डिसीजन इज रिटेन बट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स आर अनरिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आर या इन द अनरिटेन इन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैक्सिमम पार्ट आर द अनरिटेन एंड मिनिमम पार्ट आर द रिटेन. अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अधिकांश भाग अलिखित है और ट्रेडिशन एंड कस्टम्स अलिखित होते हैं, इसका तात्पर्य निकलता है कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रीति रिवाज परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर है और यही रीजन है कि यूके न्यूजीलैंड एंड इजराइल आर अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी मीन्स कि यूनाइटेड किंगडम न्यूजीलैंड एंड इजराइल का संविधान अलिखित है. तात्पर्य निकल रहा है कि इन संविधानों में रीति रिवाज परंपराओं का रोल अधिक होगा. यही कारण है कि ब्रिटेन यूके में सुप्रमेसी या पार्लियामेंट के संबंध में एक परंपरा है जिसे संसद की सर्वोच्चता के संबंध में या संसद की सर्वोच्चता को लेकर कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद कभी गलती कर ही नहीं सकती. और अगर ब्रिटिश संसद गलती करती, अगर यह परंपरा होती कि ब्रिटिश संसद कभी गलती कर ही नहीं सकती, इसका तात्पर्य है कि उसके कार्यों के एग्जामिन करने की स्थिति नहीं होती. अगर कार्यों का एग्जामिन किया जाता, ब्रिटिश संसद के कार्यों का अगर एग्जामिन किया जाता है, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट.
मीन्स कि अगर पार्लियामेंट के कार्यों का एग्जामिन हो रहा है तो संसद की सर्वोच्चता नहीं होगी, इसलिए संसद के कार्यों का एग्जामिन नहीं होता है। और उस जब संसद के कार्यों का एग्जामिन नहीं होता तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ब्रिटेन में एक परंपरा है कि ब्रिटिश संसद गलती कर ही नहीं सकती, इसलिए जनरल क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैक्सिमम पार्ट आर द रिटन बट सम पार्ट आर द अनरिटन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैक्सिमम पार्ट आर द अनरिटन बट सम पार्ट आर द रिटन। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड अपॉन ट्रेडिशन कस्टम एंड जुडिशियल डिसीजन। यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। एंड सेकेंड पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बेस, अमेंडमेंट बेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइड बाय टू पार्ट्स, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो जनरल क्लासिफिकेशन है, जो सामान्य वर्गीकरण है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा या अनरिटन होगा, इसको लेकर अमेरिकी विचारक हैं ब्राइस, और ब्राइस का मानना है कि कोई भी संविधान न तो 100% रिटन होता है और न ही 100% अनरिटन होता है, बट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विश्व में जितने भी संविधान हैं, वे सभी संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाते हैं, और संशोधन प्रक्रिया या अमेंडमेंट प्रोसेस के बेस पर अमेंडमेंट प्रोसेस बेस कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड by two types. First, flexible constitution. Second, rigid constitution. Indian constitution is the flexible constitution. US constitution is a rigid constitution. But Indian constitution, flexible and rigid constitution. Not 100% flexible constitution, not 100% rigid constitution, but Indian constitution is a flexible and rigid constitution. And third division of the constitution, power division. Power division. Power division based the constitution are two types. First, unitary constitution, and second, federal constitution. शक्तियों के विभाजन के आधार पर किसी भी संविधान को हम एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान में विभक्त करते हैं। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिस संविधान में शासन की संपूर्ण शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित होती है, एडमिस कि सेंटर, दैट पोजीशन एडमिस एंड दैट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का केंद्रीकरण।
एक स्थान पर सेंटर में हो गए, इज कॉल टू यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट पोजिशन आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज इमरजेंसी. इमरजेंसी प्रोविजन, क्लियर. एंड सेकेंड, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज या आर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टू टाइप्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनिट गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज यूनिटरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन.